नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आमना। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। चीन के वुहान में जश्न खत्म हुआ, 76 दिन का लॉकडाउन। आयुष मंत्री श्रीपद नायक बोले, भारत जल्दी ही आयुर्वेद से कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज करेगा। ट्रंप ने WHO पर लगाए गंभीर आरोप, फंडिंग पर रोक लगाएगा अमेरिका। कोरोना वायरस से भारतीय अमेरिकी पत्रकार का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव ने बिरयानी नहीं मिलने पर किया हंगामा, बोला नहीं खाऊंगा दवा। दिल्ली पुलिस का दावा, जामिया नगर में क्वारंटीन है तबलीगी मरकज का मौलाना साद। दिल्ली में गली मोहल्ले में भी ड्रोन से नजर रखेगी दिल्ली पुलिस, जमघट लगाने वालों की अब खैर नहीं। दिग्गज गावस्कर और पुजारा ने की आर्थिक मदद, 102 ट्रॉफी बेचकर अर्जुन ने दिए लाखों रुपए। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने की कोरोना संक्रमित ब्रिटिश PM के जल्द स्वस्थ होने की कामना। गेंदा फूल गाने के असली लेखक की बादशाह ने की मदद, अकाउंट में भेजे लाखों रुपए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।